हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था क्लोमिड के बारे में। क्लोमिड यानी कि जिसे आप फर्टिलिटी ड्रग बोलते हैं, क्या क्लोमिड आपको प्रेग्नेंट होने में मदद करेगा? ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्लोमिड लेने के कितने दिनों बाद आपका ओवुलेशन होगा, क्लोमिड लेने के कितने दिनों बाद आपको रिलेशन में रहना चाहिए, क्या क्लोमिड ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चा होने में मदद करता है, और क्लोमिड लेने के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी होता है और प्रेगनेंसी का सिम्टम नज़र आता है, साथ ही साथ क्लोमिड लेने के कितने दिनों बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। सो इन सारे सवालों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहला सवाल आपका जो है वो है कि क्लोमिड लेने के कितने दिनों बाद आपका ओवुलेशन होता है। जनरली डॉक्टर्स दो तरह से ही क्लोमिड रेकमेंड करते हैं। जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, अगर उसको हम डे वन मानेंगे, तो डॉक्टर आपको क्लोमिड टैबलेट आपका पीरियड का 3 से लेकर 7 दिन तक दिया जाता है, तो आपका जो ओवुलेशन है वो उसका लगभग 10 से लेकर 14 डेज के बाद होगा, यानी कि आपका पीरियड का स्टार्टिंग डे से लेकर 14 से 17 डे इसी अंदर ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो आपको रिलेशन 11 से लेकर 18 डेज या फिर उससे और एक दो दिन यानी कि 20 डेज तक रिलेशन में रहना चाहिए। कई कई पेशेंट्स को क्लोमिड उनका पीरियड का 5th डे से दिया जाता है, यानी कि 5th डे to 10th डे तक दिया जाता है। उन महिलाओं का ओवुलेशन जनरली 16 to 19 डेज इसी दिन ही होगा, यानी कि आपका पीरियड का स्टार्टिंग डे से 16 डेज to 19 डेज तक आपका ओवुलेशन हो जाएगा। और आपको 13 डे से लेकर यानी कि 13वां दिन से लेकर 21 डेज तक रिलेशन में रहना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्लोमिड लेने के बाद आप ओवुलेशन कैसे पता कर सकते हैं? क्लोमिड लेने के बाद अगर आप 3 से 7 दिन तक लेते हैं तो आपका ओवुलेशन 14 से लेकर 17 डे तक हो जाएगा। अगर आप क्लोमिड 5 to 10 तक लेते हैं तो आपका ओवुलेशन 16 से 19 डेज के अंदर हो जाएगा। इस समय आपका सारे ओवुलेशन का सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आपको ब्लोटिंग हो सकता है। अगर आप अपना ओवुलेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ओवुलेशन के टाइम पर आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप जो ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट या फिर ओवुलेशन किट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये पूछा है कि क्लोमिड लेने के 20 डे के बाद उनको ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग और उनका ब्रेस्ट में टेंडरनेस, माइल्ड वैजिनल ब्लीडिंग, नोजिया भी यानी कि उल्टी जैसे लगना या फिर डिस्कम्फर्ट, ये सब लक्षण नज़र आ रहे हैं, क्या ये प्रेगनेंसी है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि क्लोमिड लेने के बाद आपके शरीर में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, आपके स्तनों में दर्द हो सकता है यानी कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है, आपको नोजिया जैसा लग सकता है, आपको उल्टी करने का मन कर सकता है, आपके वैजिना से ब्लीडिंग भी हो सकता है, आपको डिजीनेस यानी कि थकान लग सकता है, आपका थोड़ा ऐसा वेट गेन भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी सिमिलर होते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम के तरह। इसीलिए क्लोमिड आप जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद 15 से 20 डेज के बाद अगर आपको ये सब सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो तुरंत ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए। तो अगर आपका पीरियड मिस नहीं होता है तो फिर से आपको क्लोमिड शुरू कर देना चाहिए। क्लोमिड लेने के बाद 3 चीज़ हो सकता है। एक होता है कि आप ओवुलेट कर सकते हैं और आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकता है, तो इस केस में आपका 27 से 30 डेज के आफ्टर पीरियड आ जाएगा। दूसरा केस है कि आप क्लोमिड लेते हैं, आपका ओवुलेशन भी होता है, आपका फर्टिलाइजेशन भी होता है और आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस केस में आपका जो पीरियड है वो मिस हो जाएगा, यानी कि 27 से लेकर 30 डेज के बाद जब आपका ड्यू डेट होता है पीरियड मिस हो जाएगा, तो तब आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले सकते हैं या फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर एक ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। और तीसरा जो केस है वो है कि आप क्लोमिड लेते हैं लेकिन आपका ओवुलेशन ही नहीं होता है और आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाते हैं, तो इस केस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपका जो क्लोमिड का डोज है वो इंक्रीज
इंक्रीज करा सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं। जनरली अगर आप क्लोमिड 3 से लेकर 6 साइकिल तक ले चुके हैं और आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है तो इस केस में गायनेकोलॉजिस्ट आपका डोज बढ़ा सकते हैं। और एक जो सवाल आप लोगों ने पूछा है वो है क्या क्लोमिड लेने से जुड़वा बच्चा पैदा हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लोमिड लेने से मल्टीपल एग रिलीज होने का यानी कि एक से ज़्यादा एग रिलीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर क्लोमिड लेने के बाद 20 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें से एक महिला को जुड़वा बच्चा होता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि क्लोमिड लेने के बाद आपको फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट भी आ सकता है यानी कि फॉल्स प्रेगनेंसी रिजल्ट भी आ सकता है। क्लोमिड का काम करने का तरीका यह है कि वो ईस्ट्रोजन को लेवल को डिक्रीज कर देता है, तो बॉडी सोचता है कि ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया है तो वो आपके शरीर में तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लेवल को ज़्यादा बकर देता है। तो इसीलिए इस हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से आपके शरीर में बहुत सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं और आपको फॉल्स प्रेगनेंसी रिजल्ट भी दिख सकता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा जानने में कि क्लोमिड लेने के बाद आपका ओवुलेशन कब होता है, क्लोमिड लेने के बाद आपका प्रेगनेंसी सिम्टम्स कब से आना शुरू होता है और क्लोमिड लेने के बाद आपको प्रेगनेंसी का टेस्ट कब करना चाहिए। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।